नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे। दोस्तों अभी आपके सामने है अपनी हंटर, लेकिन कुछ अगर मिसिंग आप नोटिस कर पा रहे हो, मैं नज़दीक से एक बार आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ लगा रहता है इंजन के नीचे, तो उसे बोलते हैं दोस्तों हम समगार्ड, जो कि हमने अभी खोला हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको खोलने के पीछे का रीज़न है ये पेंट का डब्बा जो कि इधर आप देख रहे हैं। ये है दोस्तों विस्टा का स्प्रे एक्रेलिक पेंट, जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है एंड मैं यही यूज़ करता हूं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम अपना जो इंजन गार्ड या बेस प्लेट इसको बोल लें, इसके ऊपर ग्रे कलर करने वाले हैं। इसके ऊपर ब्लैक कलर था एंड ये जो समगार्ड है दोस्तों, ये मैंने ख़रीदा था जिस वक्त बाइक की डिलीवरी ली थी। उस वक्त मैंने 5 से 6 एसेसरीज ख़रीदी थी, जैसे कि विंडसील एंड बैक रेस्ट एंड उसके बाद ये समगार्ड, लेग गार्ड एंड ये ORVM जो देख रहे हैं, बार एंड मिरर्स जो आप देख रहे हैं ये। तो अभी हम इसको कर रहे हैं पेंट ग्रे कलर में। उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि ब्लैक जो है इस पर अच्छा नहीं लगेगा बाइक पे। अभी वैसे आपको बाइक बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही होगी, लेकिन आने वाले टाइम में इसके ऊपर एक कस्टमाइज रैप हम लोग करवाने वाले हैं। तो इसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं बेस प्लेट को कलर करने से। तो कलर आप देख सकते हैं मेरे पास में ये है एंड ये 100% एक्रेलिक क्लेम करता है, बट 100% एक्रेलिक नहीं आता है इसमें। नियर अबाउट 82-83% एक्रेलिक आता है एंड क्वालिटी वाइज अच्छा है, मैंने पहले भी यूज़ किया है। तो अगर आप भी कुछ भी ऐसा कस्टम करते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ये स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं @bikebone21। एंड ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन फ्यूचर भी देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अपना चल रहा है 365 डेज 365 वीडियोस का चैलेंज। साथ ही अपना चल रहा है प्रोजेक्ट हंटर, जिसमें हम अपनी हंटर को बनाने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट हंटर इन टर्म्स ऑफ लुकिंग अवेलेबल इन इंडिया। तो होपफुली हम वो बहुत जल्दी कर लेंगे एंड इसके अंदर क्लिप ऑन्स लगने वाले हैं, एक बहुत अच्छा कस्टम हेडलाइट इसके अंदर हम लगाने वाले हैं एंड होपफुली मेरा USD का भी प्लान है कि इसके अंदर USD लगाएं हम कस्टम करके, बट अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों इसके ऊपर पेंट करना, आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो दोस्तों पेंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी जो है वो बता देता हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप पेंट करें, वैसे ये पाउडर कोटेड आता है ये पूरा पैनल एंड ये एल्युमिनियम का बना होता है। तो आप, मैंने इसको खोल लिया है सबसे पहले, इसकी फिटिंग्स आप देख सकते हैं इधर रखी हुई हैं एंड वो जो चाबी है उससे मैंने इसे खोला है। ये कुछ इसके स्क्रूज एंड रबर के वार्सल्स हैं जो वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों खोलने के बाद हमने इसे सैंड किया, पहले तो क्लीन किया बहुत अच्छे से, जो भी डस्ट पार्टिकल्स या जो भी ऑयल वगैरह था, ग्रीस था, उसको निकाला एंड उसके बाद इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने सैंड किया है, जिससे कि जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ हो जाए एंड उसके ऊपर पेंट अच्छे से बैठे। तो आप भी अगर कुछ भी ऐसा करते हैं तो सबसे पहले खोलिए, क्लीन करिए प्रॉपरली, क्लीन करने के बाद सेंड करिए उसको, सेंड करने के बाद आप पेंट अप्लाई करिए। दोस्तों अभी अपना एक कोट जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड अभी हम इसको सूखने का टाइम देंगे लगभग 15 से 20 मिनट का। एंड जब भी आप ऐसा कुछ पेंट करें तो अगर आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए तो आप मिनिमम 3 कोट करें। मेरे को इससे थोड़ा सा मैट फिनिश चाहिए, ग्लॉसी लुक मैं नहीं चाहता इसका, तो मैं ज़्यादा दूर से इसके ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ। अगर मेरे को ग्लॉसी फिनिश चाहिए होता तो मैं नज़दीक से स्प्रे करता एंड डायरेक्ट सनलाइट में कभी आप ये ना करें तो आपको और बेहतर फिनिश देखने को मिलेगा। तो अभी मैं 15 से 20 मिनट वेट करता हूँ, उसके बाद एक और एक कोट हम इसके ऊपर लगाएंगे।
दोस्तों अभी तीनों कोट हो गए हैं फाइनली इसके ऊपर एंड अंधेरा भी हो गया है। बाकी मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया है, अभी लगभग हाफ एन आवर वेट करूँगा मैं एंड उसके बाद इसको इंस्टॉल करूँगा बाइक के अंदर। तो फिनिशिंग एक बार आप देख सकते हैं कैसी आई है एंड ठीक है, जैसा मैं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि इसका ग्लॉसी लुक फिनिश जो है वो निकल गया है, मैं चाहता था थोड़ा सा मैट फिनिश के जैसा लुक निकल गया है, वैसा ही आया है। बाकी एक बार मैं आपको दिन का भी वीडियो दिखा दूंगा तो आप लोगों को जजमेंट करने में आसानी होगी। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। सो अभी वेट करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है क्योंकि ये काफ़ी देर से सूख रहा है, लगभग 40-45 मिनट से इसको सूखते सूखते हो गए एंड ज़्यादा सूखेगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो रबर के जो इसके अंदर वार्सल्स दिए हुए हैं, देखो कुछ इस तरीके के, ये वार्सल्स हमें लगा लेने हैं क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे हम तो वाइब्रेशंस होंगे एंड वाइब्रेशंस होंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने वाली है। तो इसलिए ये जो रबर के वार्सल हैं इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इनको लगाना है सबसे पहले। सो दोस्तों फाइनली अपना सम गार्ड जो है पेंट होने के बाद इंस्टॉल कर दिया है वापस से एंड प्रॉपर फिटिंग की है जैसे कि पहले हो रखी थी, बट अभी थोड़ा सा लेट हो गया है। और दिन का मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखा दूंगा, फॉलो कर लीजिएगा @bikebone21, वहाँ आपको दिन का कैसा लुक आ रहा है वो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी ओपिनियन क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है एंड अगर आप लोग ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन फ्यूचर भी देखना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब आप देखिए कितनी डेडिकेशन है, मेरे को पता है ये वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे अभी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है आज एंड वहाँ सब लोग बिजी हैं, दो विकेट्स ऑलरेडी गिर चुके हैं, फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चल रहा है 365 days 365 वीडियोज का चैलेंज। तो एवरीडे एक वीडियो अपने चैनल पर आना ही है बाइक से जुड़ा हुआ। इधर पार्क है अपनी हीरो जूम, उधर पार्क है अपनी एप्रिलिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलूंगा कल आपको ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत।